परमेश्वर का हर वचन जो उसके मुख से निकलता है वो आशीष है, वो हमारे लिए आशीष का कारण है। बस हम उस वचन को समझें। प्रेज द लॉर्ड। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो परमेश्वर ने हमको दिया है हम उसकी कीमत को नहीं समझ रहे, हम समझ ही नहीं रहे कि हम उस चीज को महत्व नहीं देते जो हमारे पास है। हम उस चीज को महत्व नहीं देते जो हमारे पास है, हम उस चीज को नहीं देखते जो हमारे पास है। आमीन। आज मैं आपको उसी वचन से वाकिफ कराऊंगा। आज मैं आपके अंदरूनी मनुष्यत्व को जगाऊंगा। आज आपका अंदरूनी मनुष्यत्व जब जाग जाएगा ना, तब आप पहचानेंगे कि आपके पास क्या है, हमारे पास क्या है, हमें क्या दिया है। प्रेज द लॉर्ड। John 5:2-5 पढ़िए बेटा। John 5:2-5 यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। आमीन। ये यरूशलेम में एक कुंड है उसकी बात हो रही है। यहां पर आपको परमेश्वर की दया भी दिखेगी, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का प्रेम भी दिखेगा और उसकी योजना भी दिखेगी। और यहां पर इस वचन में आपको दिखेगा कि किस तरीके से परमेश्वर चाहता है कि आप उसके योजनाओं को समझें और आशीष पाएं। यहां मैं एक आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाऊंगा जो 38 साल से बीमार है, 38 साल से बीमार है और 38 साल से यहां पड़ा हुआ है। यरूशलेम में बैतसदा, इब्रानी भाषा में बैतसदा कहते हैं, एक ऐसा फाटक है, एक ऐसा वहां पर ओसारा है जहां पर जिसके 5 द्वार हैं और वहां पर वहां की एक घटना है। पढ़िए बेटा, आगे पढ़िए। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पड़े रहते थे। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतर कर पानी को हिलाया करते थे। आमीन। क्योंकि एक नियुक्त समय, समय एक नियुक्त किया गया था जिस समय पर परमेश्वर का स्वर्गदूत उतरता था और पानी को हिलाता था, और उस पानी को हिलाते ही जो पहली बार उस कुंड में उतर जाता था वो चंगा हो जाता था। यानी कि ये बात थी सच्ची। हालेलुया। आगे पढ़िए। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। आमीन। हालेलुया। वहां एक मनुष्य था। कितनी अजीबोगरीब बात है, कितनी आश्चर्यचकित बात है। उस मनुष्य को पता है कि मेरी चंगाई यहां पर है। उसको पता है कि रोज स्वर्गदूत उतरता है। उसको पता है कि इस पानी में उतरने के बाद मुझे चंगाई मिलेगी, लेकिन फिर भी वो 38 साल से चंगा नहीं हुआ, 38 साल से चंगा नहीं हुआ। वहीं पर है 38 साल से, क्यों नहीं हुआ जब उसे सब कुछ पता है। प्रेज द लॉर्ड। आज कांग्रीगेशन में, कलीसिया में जो लोग आते हैं उनका भी यही हाल है। सालों साल से आप कलीसिया में आ रहे हैं, आपको पता है कि कलीसिया में आशीष है, आपको पता है कि आप परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं, आपको पता है कि आप परमेश्वर से मिलने जा रहे हैं, आपको पता है जो परमेश्वर का वचन है वो जीवित है, आपको पता है कि जब मैं विश्वास करूंगा मुझे यहां पर चंगाई मिलेगी, पवित्र आत्मा का आशीष यहां पर है, आपको पता है। फिर भी कितने ऐसे लोग हैं जो सालों साल से बीमार हैं, दुख है, दुखी हैं, सताव में हैं, संकट में हैं, और आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो ये जो आदमी है 38 साल से, मुझे बड़ा अजीब और गरीब लगा कि कैसा इंसान है। उसको पता है कि 2 कदम की दूरी पर मेरी चंगाई है, मेरा आशीष है, लेकिन नहीं मिल पा रहा है।
क्यों? इसका एक ही कारण है, तीव्र इच्छा का ना होना। प्रेज द लॉर्ड। तीव्र इच्छा का ना होना। तीव्र इच्छा का क्यों ना होना, इसके तीन पॉइंट्स हैं। इसके तीन पॉइंट्स हैं कि जो मिला है हम उसे महत्व नहीं देते, अज्ञानता का होना और आलस्य का होना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तीव्र इच्छा का ना होना। जब तक हमारी इच्छा तीव्र नहीं होगी, जब तक हम यह महसूस नहीं करेंगे कि यह चंगाई मेरी है, यह जीवन मसीह का मेरा है, ये जो आशीष परमेश्वर ने दिया वो मेरे लिए है, मैं कलीसिया जा रहा हूं, मैं यहां से खाली हाथ नहीं जाऊंगा, मैं आशीष लेकर जाऊंगा, ये वचन जो पास्टर बोल रहे हैं, इस वचन को मैं अपने अंदर ग्रहण करूंगा ताकि ये वचन मेरे अंदर काम करे। प्रेज द लॉर्ड। तीव्र इच्छा नहीं है, मैं एक मसीह हूं, मेरा उद्धार हो चुका है, मैं पापों शापों से मुक्त हूं, यीशु की धार्मिकता मेरे पास है, उसकी आत्मा मेरे पास है, परमेश्वर ने मुझे अपना पुत्र बनाया है, उसके बावजूद भी अगर मैं अशांत हूं, मायूस हूं, मुसीबत में हूं, दुखी हूं, क्यों? क्योंकि आप उस चीज को नहीं जान रहे जो आपके पास है, और आपके पास जो है उसको लेने की आपकी तीव्र इच्छा नहीं है। तीव्र इच्छा नहीं है आपकी। आप खुश हैं, ठीक है। आपको पता है दुष्ट आत्माएं कई तरीके की होती हैं, बहुत, तकरीबन हजारों किस्म की होती हैं। उसमें से एक दुष्ट आत्मा यह भी है जो आपके अंदर आलस्य लेके आती है और आपको गलत बुद्धि देती है। कुलुसियो 3:2 क्या कहता है, वचन क्या कहता है? कुलुसियो 3:2 पढ़िए बेटा, जल्दी पढ़िए। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पौलुस कहता है कि पृथ्वी पर की नहीं, वचन कहता है, बल्कि स्वर्गीय चीजों पर ध्यान लगाओ। हालेलुया। जो स्वर्ग की चीजें हैं, जो स्वर्ग में होती हैं चीजें, जो चीजें हमें मिली हुई हैं, उन पर ध्यान दो। तीसरा पढ़िए, तीसरा भी इस संग पढ़ लीजिए एक साथ। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। हमें उस जीवन को देखना है जो मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। हमें उस जीवन को देखना है। स्वर्गीय चीजें कौन सी? स्वर्गीय चीजें जिन पर ध्यान लगाना है। स्वर्ग में बीमारी होती है? मुसीबत होती है? परीक्षा होती है? सताव होता है? हत्या होती है? व्यभिचार होता है? हेलो, होता है? नहीं होता है। हम लोग कौन है? हमें स्वर्गीय आशीषें मिली हैं। हम लोग पृथ्वी के नहीं हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप क्यों उस आशीष को पाने के लिए आपके अंदर तीव्र इच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि जो आप देख रहे हैं आप उसी में सहमत हैं। आप देख रहे हैं बीमारी आपके आसपास, आप देख रहे हैं दुख आपके आसपास, आप देख रहे हैं कि लोग परीक्षाओं में पड़े हुए हैं, लोगों के अंदर लालच है, आप व्यभिचार को देख रहे हैं, तो आपको वो सत्य लग रहा है और इसीलिए आप अपने आप को वैसा ही बना लेते हैं। 38 साल से जो आदमी बीमार था वो क्या देख रहा था? बीमारियों को देख रहा था। 38 साल से वो निकल नहीं पा रहा था। उसके अंदर ये नहीं था जोश कि मुझे चंगाई मेरे साथ में है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे चंगा चाहिए, चंगाई मुझे इमीडिएट मिलेगी क्योंकि वादा है, मैं कलीसिया आऊंगा, मुझे आशीष मिलेगा, मैं यीशु मसीह का नाम लूंगा, मेरे बंधन टूटेंगे।
मैं यीशु मसीह पर विश्वास करूंगा, अनंत काल का जीवन मुझे मेरा है, स्वर्गीय अधिकारी मैं हूं। तो मुझे अपना ध्यान क्या लगाना है? स्वर्गीय चीजों पर। प्रेज़ द लॉर्ड कि मैं वहां बीमारी नहीं है, मैं स्वर्गीय चीज हूं। देखिए इफिसियों 2:5-6 क्या कहता है, इफिसियन 2:5-6 कि आप कौन हैं, आप जानिए आपको परमेश्वर ने क्या दिया है, आपको कहां बिठाया है। इफिसियन 5:6 तो 2:5-6 जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। हाँ, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, देखिए जब हम मरे हुए थे, जब हम यीशु मसीह में आए, जब परमेश्वर ने हमें चुना, जब हमें इस योग्य बनाया, जब हमें पाप शापों से मुक्त किया, अपना पुत्र बनाया, अपना उत्तराधिकारी बनाया, अपनी धार्मिकता दी, अपनी आत्मा दी, तो हम क्या थे? अपराधों के कारण मरे हुए थे। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। हाँ, और अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह से, प्रभु की कृपा से हमारा उद्धार हुआ, हमने इसमें कोई मेहनत नहीं की है, प्रभु ने अनुग्रह किया, कृपा की, हमें छुला लिया, ये उसकी कृपा है, इसलिए हम उस कृपा को जाने। ये जानना, ये महसूस करना बहुत जरूरी है, ये उसका अनुग्रह है। हालेलुया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। आगे, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। आमेन, हालेलुया। आप लोग उत्साहित नहीं है, आप समझ ही नहीं रहे, मसीह के साथ आपको जिलाया और मसीह के साथ आपको स्वर्गीय स्थानों पर बैठा दिया। आमेन, यानी आप कहां बैठे हुए हैं? मसीह के साथ। मसीह कहां बैठा है इस समय? कहां पर? पिता के दाहिनी ओर। पिता के दाहिनी ओर बैठा है कौन? यीशु मसीह। तो हम कहां बैठे हैं? यीशु के दाहिनी ओर। हेलो, अगर मैं यीशु के दाहिनी ओर बैठा हूं तो वो अधिकार जो यीशु का है वो किसका है? क्या मैं, क्या कोई बीमारी मुझ पर राज्य कर सकती है? नहीं। क्या कोई दुख मुझ पर राज्य कर सकता है? नहीं। क्या कोई संकट मुझ पर राज्य कर सकता है? नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको यीशु के दाहिनी ओर बैठा दिया, लेकिन आप महसूस नहीं कर रहे हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि मैं 412 में हूं, यही मेरी जगह है, यही है, मेरा पड़ोसी बीमार है, ये वाला ही पड़ोसी बीमार है। होगा, बीमारी तो आती है, बीमार तो होंगे। आप पता है बीमार क्यों होते हैं? आप बीमार क्यों होते हैं पता है आपको? आप बीमारी का अंगीकार करते हैं, आपको पता है? आप 40 साल के 45 साल के होते हैं, आपके घुटने में दर्द हो रहा है, आप किसी से बोलेंगे भैया घुटने में दर्द हो रहा है। कितने साल की है बहन आप? 45 साल की। हाँ, वो तो होगा, 35 साल में घुटने कमजोर हो जाते हैं, 45 साल में घुटने कमजोर हो जाते हैं। अरे कहाँ लिखा बाइबल में? और हम अंगीकार कर लेते हैं, हाँ दर्द होगा मुझे, दर्द होता है। मेरा ध्यान कहाँ होना चाहिए? स्वर्गीय स्थानों पर। मैं चुना हुआ हूं, मैं शुद्ध हूं। क्या आप शुद्ध हैं कि नहीं है? विश्वास करते हैं कि नहीं? आप पापों से शापों से मुक्त हैं कि नहीं है? जितने बैठे हैं विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर आप विश्वास करते हैं कि पापों शापों से मुक्त हूं, तो आपको सारी आशीषें जो स्वर्ग की हैं वो आपके ऊपर लागू होती हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन शैतान कभी नहीं चाहता कि आप महसूस करें कि आप आजाद हैं। शैतान नहीं चाहता कि आप महसूस करें कि आप स्वर्गीय स्थानों पर हैं। शैतान आपको रास्ते, शैतान आपको फिर संसार में लेकर जाता है। शैतान वहीं पर और आपके अंदर संदेह डालता है
और आप फिर माफी मांगते, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। अरे वो माफ कर चुका है, कितनी बार माफ करेगा? हेलो, आपकी शादी किसी से हो गई है, उसने आपको ऐसे पत्नी स्वीकार कर लिया है, अब आप रोज उससे बोलेंगे मैं आपकी पत्नी हूं ना, मैं आपकी पत्नी हूं, मैं आपके बच्चे की मां हूं, है ना? वो आपको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा देगा। आप समझ रहे हैं? आप परमेश्वर से रोज कहते मुझे माफ कर दीजिए। प्रभु कहता है कि तुझे मैं शुद्ध कर चुका हूं। जब तक आप ये महसूस नहीं करेंगे कि आप शुद्ध हो चुके हैं, पवित्र हो चुके हैं, तब तक आपके अंदर तीव्र इच्छा जाहिर नहीं होगी, नहीं मैं परमेश्वर का बंदा हूं, चंगाई मेरी है, आशीष मेरा है, अनुग्रह मेरा है, परमेश्वर की दया मुझ पर हो चुकी है। क्या आपकी बुद्धि नहीं खुली? क्या वचन आपको समझ में नहीं आ रहे? अगर आपको वचन समझ में आ रहे हैं तो इसका मतलब यह चिन्ह है कि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, क्योंकि जो बाहर हैं उनको समझ में नहीं आ रहे हैं, उनको समझने में आ रहा है कि ये शोर हो रहा है, बहुत शोर करते हैं ये लोग यार, ऊंची ऊंची आवाज में गाते हैं, बहुत बोलते हैं, उनको शोर लग रहा है ये, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा, उनकी गलती नहीं है। आपको और मुझको अगर समझ में आ रहा है, ये चिन्ह है कि परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जब आप ये महसूस करेंगे, जब आप ये महसूस करेंगे कि आपके पास ये ताकत है, आपके पास वो शक्ति है, तब आपके अंदर इच्छा पैदा होगी, नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो चीज हमारी है हम उसे अपना ही नहीं कहते, हम महसूस ही नहीं करते ये चीज मेरी है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। स्वर्गीय स्थानों पर रहना हमारा हक है, वचन कहता है, हम महसूस ही नहीं करते, महसूस ही नहीं करते, क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो तीव्र इच्छा नहीं है कि नहीं, आपकी लड़ाई आपके पति से हो गई, आपके पति ने कहा निकल जाओ, आप निकल जाएंगे क्या? अरे कैसे निकल जाऊंगी, मेरा हक है, मैं यहां की हूं, आधा अधिकार मेरा है, मैं तुम्हारी अर्धांगी हूं, कैसे जाऊंगी मैं यहां से? नहीं जाऊंगी। जाओगे? पति पत्नी कितनी लड़ाई करते हैं, निकल जा, तूने ये किया, तूने वो किया, क्या आप निकल जाते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि आपका अधिकार है, मेरे बच्चे हैं, मेरा अधिकार है, मैं आपकी पत्नी हूं, शादी की है मैंने आपसे। हेलो, होता है कि नहीं होता है? मैंने शादी की है आपसे, ऐसे नहीं आ गई हूं। इसी तरीके से जब बीमारी आए, जब मुसीबत आए, उसको बोलिए बीमारी को, मुसीबत को, कि मेरी शादी यीशु से हो चुकी है, मेरी शादी यीशु से हो चुकी है, मेरे ऊपर बीमारी तेरा कोई राज नहीं है, ऐ शांति, ऐ परीक्षा, ऐ मुसीबत, तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आप लोग क्या मुसीबत से प्यार करते हैं? मुसीबतों से प्यार करने लगे हैं आप लोग, क्योंकि आपको अहमियत नहीं पता, क्योंकि आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे। क्यों प्रॉब्लम हो रही है? आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे, आपको लग रहा है कि घर में बैठना, और आप समझते हैं कि साहब बाइबल पढ़ना, दो तीन गीत गाना, ये मसीहत है। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, आपको वो उस अधिकार के संग रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस अधिकार के संग रहना है आपको,
अपना जीवन वैसा बिताना है जैसा परमेश्वर ने आपको दिया है। आप अपना जीवन वैसा बिता रहे हैं जो पहले ही आपका था। हम अपना जीवन वैसा नहीं बिता रहे हैं जो परमेश्वर ने हमको दिया है। अपने रिश्तेदारों के, अपने पति के, अपनी पत्नी के बहकावे में या डर के हम भूल जाते हैं कि हम मसीह हैं, हम चुने हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने बपतिस्मा लिया है, आपने यीशु मसीह को लिपटा लिया है, यीशु मसीह को ग्रहण किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान सुनिए, अब अगर आपका पिता कहता है कि चर्च नहीं जाना, उससे क्या होगा? आप परिवर्तित हो चुकी हैं। हेलो, आप नहीं जान रही हैं, स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिखाया जा चुका है। अगर आपको स्वर्ग का जीवन जीना है, अगर आपको सुख जीना है, तो आपको वो जीवन, वो आशीष, वो जो आपको दिया गया है, वैसा ही जीना पड़ेगा, तो आपको सुख मिलेगा। हेलो, आप समझ रहे हैं? लेकिन आपके अंदर वो जीवन जीने की तीव्र इच्छा नहीं है। जैसे वो 38 साल का आदमी था, उसके अंदर तीव्र इच्छा नहीं थी। ईश्वर मसीह ने उससे क्या कि तू क्यों नहीं चंगा हो पा रहा है, तो कैसा कोई आदमी नहीं मिल रहा है मुझे। क्या लिखा छठवां इसी का, जॉन 5 का 6, जॉन 5 का 6। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिला जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पास। बस बस, आप समझे कि नहीं? आलस। आज अगर आप आलस है, बाइबल क्या कहती है? शापित हो वो मनुष्य जो आलस से काम करता है। अगर आप आलसी हैं तो परमेश्वर की दृष्टि में आप शापित हैं। शापित है वो मनुष्य, वो औरत, वो लड़की, वो लड़का। वो कह रहा है कोई आदमी नहीं है मेरे पास। अरे, तुझे पता है कि स्वर्गदूत उतरेगा और पानी हिलेगा तो तुझे चंगाई मिलेगी। तुझे सब कुछ पता है। तू कलीसिया विश्वास के संग आएगा, तू देख रहा है। और सबसे बड़ी बात है, वो 38 साल से रोज चंगा, लोगों को चंगा होते हुए देख रहा है और फिर भी नहीं हो पा रहा है। फिर भी कह रहा है मुझे कोई आदमी नहीं मिल रहा है। मैन, कोई आदमी नहीं। आज कोई बहन नहीं थी कलीसिया जाने के लिए। मेरी पड़ोसन मेरे साथ आती है, तो वो जो थी वह आज उसने मना कर दिया कि आज मैं नहीं आऊंगी। तो मैंने भी सोचा कि चलो छोड़ो, मैं कहाँ अकेली जाऊंगी कलीसिया, कहाँ अकेली कली इतनी दूर कलीसिया अकेले जाना। मैंने कहा छोड़ो, क्या किया आपने, आशीष खो दिया। कोई आदमी नहीं मिल रहा है। आप किसके लिए चर्च आते हैं? किसी आदमी के लिए या परमेश्वर के लिए? अगर आपके अंदर तीव्र इच्छा है मुझे चर्च जाना है और अपना आशीष लेकर आना है, मैं यहां परमेश्वर से मिलने आता हूं, मुझे आपका नहीं पता, मुझे परमेश्वर से रोज मिलना है। वो मेरा पिता है, मेरा हक है, मुझे उससे मिलना है। मैं परमेश्वर से मिलने आता हूं। अगर आप परमेश्वर से मिलने आते हैं, विश्वास करिए आपकी आशीषें जो आपको दे चुका है परमेश्वर, इफिसियों 1:3, वो सारी आशीषें आपके जीवन में काम करने लगेंगी। आप उसको देखने लगेंगे, आप महसूस करने लगेंगे उन आत्मिक आशीषों को, उन स्वर्गीय आशीषों को आप अपने जीवन में महसूस करने लगेंगे। कोई ना कोई मछली आएगी जो आपको सिक्का देके जाली जाएगी। आप नहीं जानते,
हेलो, विश्वास करिए। मछली का सिक्का सिर्फ पतरस को नहीं मिला था, और पतरस को क्यों मिला? क्योंकि पतरस ने विश्वास किया जो यीशु मसीह ने कहा, जाओ झील में जाओ, जो मछली निकलेगी बंसी डालना, जो निकलेगी मछली उसके मुंह से सिक्का होगा, सिक्का ले लेना। कि आपको मैं भेजूं नीचे, आप जाएंगे? नहीं जाएंगे। आप सोचेंगे पास्टर पागल हो गया यार, अब मैं जाऊं और बस और मछली निकलेगी, अब हम ही बेवकूफ थे, इतना टाइम वेस्ट करूं जाकर और मछली का इंतजार करूं और उसके मुंह में सिक्का, अरे ये तो हद हो गई यार। अगर वो संदेह करता तो मिलता? जिस विश्वास के संग उसने ग्रहण किया उसको आशीष मिला। Praise the Lord। आपको विश्वास के संग ग्रहण करना है तब परमेश्वर आपको आशीष देगा। इसलिए जब आप विश्वास के संग उन स्थानों को देखना शुरू करते हैं, उन चीजों को देखना शुरू करते हैं जो स्वर्गीय हैं, जो स्वर्गीय स्थानों पर मिलती हैं, जिनका तरीका स्वर्गीय है, मैं आपको सच कह रहा हूं, स्वर्गीय आशीषें आप अपने जीवन में उतरते हुए रोज देखेंगे। स्वर्गीय तरीके से, अलौकिक तरीके से आपके जीवन में काम होगा। हैं आप धरती पर, लेकिन अलौकिक जीवन से, जिससे आपने उम्मीद भी नहीं की थी, वो आएगा और आपको प्लेट में बादाम और अंजीर लेके चला जाएगा, आपने मांगा भी नहीं। मैं आपको सच बता रहा हूं, वो छोटी छोटी बातें। कभी कभी लक्ष्मी का मन उस दिन कह रही थी, यार बहुत दिन हो गए यार मटन नहीं खाया यार। मैं, कोई बात नहीं, चलेंगे ले लेंगे। आप मानिएगा नहीं, एक दो दिन के बाद कोई मटन बनाकर लेकर आ गया। हमने उसको नहीं कहा कि हमको मटन चाहिए। किसको मेरी इच्छा पता लगी? परमेश्वर को। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप स्वर्गीय स्थानों की ओर देखते हैं, जब आप स्वर्गीय जीवन की खोज में लगे रहते हैं कि मुझे स्वर्गीय जीवन जीना है, स्वर्ग में कोई पाप नहीं है, स्वर्ग में कोई झूठ नहीं है, स्वर्ग में सत्य है, स्वर्ग में कोई गलत भावना नहीं है, स्वर्ग में कोई भी व्यभिचार नहीं है, जब आप उस जीवन को जो स्वर्ग वाला है इस धरती पर जीने की खोज में लगे रहते हैं, तो अलौकिक आशीषें आपके जीवन में उतरती हैं। अलौकिक, जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते, आप जानते नहीं होंगे, सालों साल आप किसी को नहीं जानते और दो दिन के बाद वो आपका दोस्त बन जाएगा और आपके जीवन में आशीषें शुरू हो जाएंगी। आप नहीं जानते, बस आपको वो जीवन जीने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। अलौकिक आशीषें ऐसी नहीं मिलती हैं, उसका एक शर्त है, पानी हिलेगा तो ही जो पहली बार जाएगा। क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा? Praise the Lord। यीशु मसीह ने जब भी किसी को चंगाई दी क्या कहा? कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यीशु मसीह ने बाइबल में क्यों कहा? जो विश्वास करेगा वो पाएगा। यूहन्ना 3:16 है ना, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, क्योंकि जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। ये शर्त है, ये वाचा है, जो विश्वास नहीं करेगा। आप विश्वास करेंगे आशीष पाएंगे, उसका नियम है। आप विश्वास नहीं करेंगे आप आशीष नहीं पाएंगे। आप स्वर्गीय जीवन को देखना शुरू करिए और तीव्र इच्छा के साथ, नहीं मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं धोखा नहीं दूंगा,
मेरा बिजनेस में झूठ बोलना है नहीं बोलूंगा, मैं गलत निगाह से नहीं देखूंगा, मैं अपने जहां भी काम करूंगा ईमानदारी के संग काम करूंगा। मैं आपको चुनौती देता हूं, चैलेंज करता हूं, आपके जीवन में कभी भी भुखमरी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। झूठ बोलते हैं वो लोग कि मैं झूठ और धोखा नहीं दूंगा तो कैसे चलूंगा यार, ये जीवन, ये लोग ही ऐसे हैं। हमें वो जीवन नहीं जीना है, मुझे स्वर्गीय जीवन जीना है। जिस दिन आपके अंदर ये तीव्र इच्छा होगी कि मुझे स्वर्गीय जीवन जीना है, उस दिन मेरे भाई मैं आपको सच कह रहा हूं, आप अपने दाएं और बाएं स्वर्गदूतों को चलता हुआ देखेंगे। आप परमेश्वर की आवाज सुनेंगे, वो बुद्धि देता हो, आप पवित्र आत्मा के डायरेक्शन को देखेंगे। आप नहीं जानते परमेश्वर की इच्छा क्या है कि हमें स्वर्गीय जीवन जीना है, क्योंकि उसने आपको उसी के लिए बनाया है, पवित्र किया है आपको, शुद्ध किया है आपको। पवित्र करने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र का पूरा जो खून था, ब्लड था, वो बहा दिया। इस चीज को समझिए, आपको शुद्ध करने के लिए यीशु मसीह ने बलिदान किया है। कोई मामूली काम नहीं है, आपने कोई मामूली चीज नहीं पाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कलीसिया आना मामूली ना समझे। और विश्वास के संग आना। आज सुबह देखा मैंने कि जितने कलीसिया में लोग आए थे शुरू शुरू में, सब लोग प्रार्थना में बैठे थे। मुझे ने बताया, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह अगर आप पहले आ जाते हैं, प्रार्थना में रहिए, किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है, प्रार्थना में रहिए और करिए प्रार्थना की, परमेश्वर आज मुझसे बात करिए, आज परमेश्वर मैं आपको महसूस करूं, आज परमेश्वर जो वचन पास्टर बोले उसमें मैं आप मुझसे बात करिए, मैं आपके करीब आना चाहता हूं, उस जीवन को जीना चाहता हूं जो आपने मुझको दिया है, मेरी समझ को खोलिए। प्रार्थना करते रहिए, मैं सच कह रहा हूं परमेश्वर बहुत दयालु है, वो आप पर ऐसी दया करेगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप सोच नहीं सकते हैं। उस जीवन की कीमत को समझिए, उसके महत्व को समझिए। आज शैतान आपकी अज्ञानता का फायदा उठा रहा है, आपके अंदर अज्ञानता है, आपको समझ ही नहीं कि आपको क्यों क्या मिला है। 90% लोग कुछ सिर का दर्द और ये ठीक करने के लिए कलीसिया आते हैं, 5,000 से 10,000 रुपए की नौकरी मिल जाए उसी में सेटिस्फाई है। अरे ये कलीसिया है, ये परमेश्वर का भवन है, उस रचयिता से मिलने आप आ रहे हैं जिसने ब्रह्मांड की रचना की है। आप नहीं जानते आप कहां आ रहे हैं। जिस सोच से आएंगे उसी ही सोच से वही आपको वैसा ही, आज जैसा बोगे वैसा काटोगे। जिस सोच के साथ आप उस अपने जीवन को बिताएंगे वही सोच आपके जीवन में पूरी होगी। प्रेज द लॉर्ड। वो औरत जो 12 वर्ष से लहू की बीमारी से पीड़ित थी, उसने अपनी चंगाई ली है। प्रेज द लॉर्ड। ये होना चाहिए। वो कमजोर औरत, जिस औरत का 12 साल से लहू बह रहा था, आप सब जानती हैं बहनें, जिस औरत का लहू 12 साल से बह रहा था, आप सोचिए अगर 10 दिन भी लगातार आपका लहू बहेगा तो आप कमजोर हो जाएंगी। जो चल नहीं सकती थी, उसने मन में ठान, नहीं, यीशु मसीह यहां से जा रहा है,
चाहे कितनी भी भीड़ क्यों ना हो, चाहे कैसे भी लोग क्यों ना हो, मैं यीशु के वस्त्रों को भी छूंगी तो मुझे आशीष मिलेगा। उसने आशीष पाया, छूते ही मिला सामर्थ। प्रेज द लॉर्ड। ये है तीव्र इच्छा। हमें ऐसा जीवन जीना है कि मैं चर्च आऊंगा, मैं चर्च आज जाऊंगा और आज मैं आशीष पाके रहूंगा, आज जो मेरी समस्याएं हैं उनका अंत होगा, आज परमेश्वर का जवाब मुझे मिलेगा। क्यों ऐसा बंधन है, क्यों ऐसी रुकावटें आ रही हैं? नहीं, आज मैं लेकर आऊंगा। किसके पास जा रहा हूं मैं? उस परम पिता परमेश्वर के पास जिसने स्वर्ग और धरती की रचना की है। Praise the Lord। आप जिस भावना से आएंगे, जिस नजरिए से आएंगे, वैसा ही आशीष पाएंगे। आपका नजरिया क्या है परमेश्वर को देखने का? आपका नजरिया क्या है अपनी चंगाई को देखने का? आपका नजरिया क्या है जो आपको मिला है उसको देखने का, जो है आपके पास? हेलो, आपका नजरिया क्या है? ये बहुत जरूरी है। विधवा कंगाल जिसके पास दो तांबे के सिक्के थे, यीशु कहता है इसने सबसे ज्यादा दिया है। क्यों? क्योंकि उसका नजरिया देख रहा था परमेश्वर। बहुत से लोग थे जो उससे कहीं ज्यादा दे रहे थे। वो लोग अपनी बढ़ोतरी में से देख रहे थे, उनके पास जितना धन था अपने उस धन में से परमेश्वर के राज्य में बो रहे थे, लेकिन उस कंगाल विधवा के पास सिर्फ दो तांबे के सिक्के थे, कुछ भी नहीं था, और उसने वो बो दिया। और यीशु ने क्या कहा? इसने सबसे ज्यादा दिया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर, क्योंकि यीशु उसके देने के नजरिए को देख रहा था। उस कंगाल विधवा के उस तीव्र, उस प्रेम को देख रहा था कि वो परमेश्वर को कितना महत्व देती है। एक तो कंगाल उसके नाम के आगे लिखा हुआ है और उसके बाद विधवा लिखा हुआ है, यानी कि उसका कोई देखने वाला नहीं है, और उसके बाद कंगाल, उसके बाद उसके पास दो तांबे के सिक्के थे, वो भी उसने प्रभु को दे दिए। सोचिए कि परमेश्वर पर उसका कितना विश्वास होगा कि मुझे शाम की रोटी देने वाला मेरा पिता जीवित है, मेरी आगे की जिंदगी को आशीष देने वाला मेरा पिता स्वर्ग में जीवित है और मुझसे प्यार करता है। आमीन। 38 साल से बीमार ये आदमी, ठीक नहीं हो पा रहा है। अपने बारे में भी सोचिए मेरे भाई मेरी बहन, हम कितनी देर से यहां पर आ रहे हैं कलीसियाओं में, आप लोग कहीं तो है प्रॉब्लम, क्यों नहीं हो रहा है? एक तो तीव्र इच्छा नहीं है, और एक हम उस स्वर्गीय जीवन की खोज में नहीं है। हम आज भी कंप्रोमाइज कर रहे हैं। ओके, आज भी अपने बच्चों को बेटा सच बोलने की कोशिश करना, लेकिन अगर झूठ ज्यादा मत बोलना है, थोड़ा सा ज्यादा। हम मसीह हैं बेटे, हमें सच बोलना है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा ही हो जाए तो नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे झूठ नहीं बोलना है। आज मेरा बेटा वर्शिप कर रहा है अपने एनटीसी कॉलेज में। मैं जो सुबह सुबह फोन किया, मैंने बेटा वर्शिप कर रहा हूँ,
कहता पापा मैं क्वायर में हूं और लीड नहीं कर रहा हूं। मैंने कोई बात नहीं बेटा, धन्यवाद बोल के तो प्रभु के लिए यूज हो रहा है, चाहे क्वायर में भीड़ में आप बैठे हुए हैं और उसकी स्तुति कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये थोड़ी कि सामने जो रहता है वही सबसे बड़ा बात। हालेलुया, दिल से करना है हमें कोई भी काम, दिल से करना है। अरे परमेश्वर ने मुझे कुर्सियां साफ करने के लिए चुना, धन्यवाद। जितने भाई बहन आ रहे हैं उनकी चप्पलें लगाने के लिए चुना, धन्यवाद। अरे मुझे परमेश्वर के भवन में एंट्री मिल रही है, आमेन। हेलो, परमेश्वर मेरे नाम को जानता है, उसने मेरा नाम अपनी हथेली पर लिखा है, ये वचन कहता है, बाइबल कह रही है। इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? आपकी तीव्र इच्छा नहीं मरनी चाहिए। चर्च आने हैं आते आप क्यों आ रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए आपको, उसका महत्व पता होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, आज संडे है, सैटरडे की नाइट से आपको आपका डिसिप्लिन शुरू हो जाना चाहिए। वैसे तो डिसिप्लिन पूरा सप्ताह होना चाहिए, लेकिन सैटरडे नाइट से कि नौ मुझे सुबह निकलना है, टाइम से पहुंचना है। प्रेज़ द लॉर्ड, वचन आप जब पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? पौलुस ने क्या कहा कि मुझे गर्व है, गलेशियन 6:14, गलतियों 6:14, बड़ो बेटा। पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। पौलुस गर्व कर रहा है किसके ऊपर? यीशु के क्रूस पर, क्योंकि वही है जहां से मुझे आजादी मिली है। उस क्रूस के बलिदान को, उस क्रूस की कथा को आप महत्व दीजिए, इंपॉर्टेंस दीजिए। पौलुस कहता है मैं गर्व करता हूं उस क्रूस पर, जिस क्रूस पर यीशु मसीह मरा, जहां बलिदान हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए वो कहता है पहला कुरिन्थियन 9:27, इसलिए मैं अपनी देह को मारता कूटता हूं, यंत्रणा देता हूं, ताकि कोई गलत काम ना करूं, कोई गलत विचार मेरे अंदर ना आए, कोई गलत प्रचार ना करूं मैं। प्रेज द लॉर्ड, क्या लिखता है 9:27 में? परंतु मैं अपनी देह को, आ रही है बस, चलो। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आपकी किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। प्रेज द लॉर्ड, क्या कहते हैं इस वचन में कि मैं अपनी देह को मारता कूटता हूं? क्या लिखा है दोबारा पढ़ो बेटा। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं। कौन लाता है वश में? पौलुस अपनी देह को वो लाता है, वो नहीं बोलता परमेश्वर दया कर, आज मैंने उपवास रखा है, ये मीठा मेरे सामने ना आए, थोड़ा सा हटा दीजिएगा। है कौन ला रहा है अपनी देह को वश में? किसको लाना है? किसको लाना अपनी देह को वश में? हमको, बोलिए हमको। अपनी देह को वश में किसको लाना है? परमेश्वर को नहीं लाना, हमारी प्रार्थना गलत है। ये मुझे उसके लिए अपनी देह को मारता कूटता हूं। कैसे मारता कूटता हूं? उसे भूख लगती होगी, उसे मन करता होगा कि हां साहब अच्छी तली चीजें खाऊं, या उपवास रखा है तो मैं ये ना खाऊं या मैं ये खाऊं। नो, मुझे अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित करना है, कोई गलत विचार मेरे अंदर ना आए, हटाओ, नहीं, वश में लाता हूं, मैं लाता हूं।
यीशु मसीह ने मुझे वो अधिकार दिया है कि मैं अपनी देह को वश में लाऊं। प्रेज द लॉर्ड। अपनी देह को वश में लाता हूं ताकि मैं प्रचार कर सकूं, ताकि मैं वो स्वर्गीय जीवन जी सकूं, ताकि मैं यीशु की आशीषों को अपने जीवन में बहते हुए देख सकूं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है 2:22 में, गलतियों 2:20 कि मैं नहीं हूं, मैं स्वर्गीय जीवन कैसे जीऊंगा जब मैं अपने अस्तित्व को यीशु मसीह में मिला दूंगा, कि मैं नहीं हूं, मैं यीशु मसीह में हूं। पढ़िए 2:20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आप क्रूस पर चढ़ाए गए हैं? प्रेज द लॉर्ड। अगर आप क्रूस पर चढ़ाए गए हैं तो अगली लाइन आप, तो मैं जीवित ना रहा। बोलिए, मैं जीवित नहीं हूँ, मैं जीवित नहीं हूँ, पर मसीह मुझ में जीवित है। Praise the Lord। क्यों अपनी वश को, अपने शरीर को वश में लाता है? 1 Corinthians 9:27 में क्या बोलता है पौलुस, कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता और वश में लाता हूं। क्यों वश में लाता हूं? ताकि मसीह मुझ में जीवित रहे। Amen। मेरे मसीह का मुझ में जीना अनिवार्य है, इसलिए मैं अपने शरीर को वश में करता हूं। इसलिए शरीर की अभिलाषाएं तो बहुत हैं। आपको कौन लेके जाता है संसार में? आंखों की लालसा, शरीर की अभिलाषा, बुद्धि का घमंड, 1 John 2:16। कौन लेके जाता है आपको संसार में? कौन? बुद्धि का घमंड, मैं। आपको संसार से कलीसिया में आने के लिए कौन रोकता है? बुद्धि का घमंड, मैं। जब आप में मैं आ जाता है तो परमेश्वर निकल जाता है। आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं। इसलिए वो कह रहा है कि मैं क्रूस पर चढ़ाया जा चुका हूं, मैं अब जिंदा नहीं हूं। मुझ में अगर मैं है तो मैं प्रभु का नहीं हूं। आप में मसीह कब जीवित होगा? जब आप अपने आप को मारेंगे अपने अंदर। जब आप अपने आप को मारेंगे अपने अंदर तो मसीह जीवित हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अपनी मैं को अपने अंदर रखा, नहीं मैं, शैतान देता है, शैतान का यही तो हथियार है आपके अंदर घमंड पैदा करना। घमंड पैदा करना। मेरे बेटे ने 3 महीने नौकरी की जाने से पहले, और उसको इंग्लिश एक कंसर्न में सर्विस मिली जो कि इंटेंसिव के साथ थे, यानी कि जो भी वो चीज़ साथ में, सर्विस तो एक साथ में रहेगी, कुछ चीज़ें उनको अमेरिका में या बाहर, जैसे यहाँ पर, यहाँ से कॉल करते थे, उनको बेचनी होती थी, उनको सेल करनी होती थी, उसमें उनको कमीशन मिलता था। तो उसका क्या हुआ कि पहले महीने उसको 15,000 मिला, दूसरे महीने उसको 32,000 मिला, और तीसरे महीने उसको तकरीबन 50,000। और मेरे बेटे का थोड़ा सा दिमाग खराब हो गया। जब कॉलेज खोलने वाला था, उसने कहा, नहीं पापा यहीं से रहते हैं, यहीं से, मैं ऑनलाइन ही करता हूँ, ऑफलाइन नहीं करूँगा। मैंने कहा इमीडिएट रेजिग्नेशन दे दे, ये जो शैतान 50,000 दे रहा है ना, ये तेरा जीवन खराब कर देगा, नहीं चाहिए। उसने रिजाइन किया
और चला गया देहरादून। कहाँ बैठा हुआ है? अपने स्कूल कॉलेज में एक रूम में, बर्फ पड़ रही है, सुबह का खाना प्रॉपर नहीं खा पा रहा है, उठ ही नहीं पा रहा है। 7 बजे उनको 7 से 7:20 तक मिलता है नाश्ता, अगर आप नहीं आएंगे 21 पे आएंगे आपको नाश्ता नहीं मिलेगा। डिसिप्लिन है। आज भी उसने खाना नहीं खाया, सुबह नाश्ता नहीं किया। मैंने कोई बात नहीं बेटा, लेकिन तुझे परमेश्वर का दास बनना है। अगर संसार का सुख मेरे अंदर मैं पैदा कर रहा है तो डेंजरस है, वो मुझे परमेश्वर से दूर कर देगा। मैंने कहा नो बेटा, ये निकाल, नहीं चाहिए। 50,000 की नौकरी छोड़ना आसान है? आसान है? मैं एक पास्टर हूं, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं करता हूं। 50,000 मुझे मिल रहे हैं, मेरा बेटा ला रहा है, कोई छोड़ सकता है? मैंने कोई, मैं घमंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा प्रभु की सेवा करे। ये मेरी इच्छा है, बाकी उसकी इच्छा क्या है मैं नहीं जानता, और उसी इच्छा पर अपने बेटे को चलाना चाहता हूं। अब वो कितना चलता है ये भी नहीं जानता हूं मैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए वो कहता है कि मैं यीशु में, मैं जीवित नहीं हूं, यीशु मुझमें जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई, हमें यही देखना है कि मुझमें यीशु जीवित रहे। अगर यीशु मुझमें जीवित है तो सब कुछ ठीक है, तो आप स्वर्गीय स्थानों पर चलेंगे, आप स्वर्गीय जीवन जिएंगे। अगर यीशु आप में जीवित नहीं है तो आप स्वर्गीय जीवन नहीं जी पाएंगे, नहीं जी पाएंगे। मुझे स्वर्गीय जीवन जीना है, मुझे संसार का जीवन नहीं जीना है। हम थोड़ा खाएंगे, धन्यवाद, 10 रोटी नहीं खाएंगे, 1 रोटी खा लेंगे। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। दानियल ने क्या चुना था? जब वो उस नबूकदनेस्सर के महल में आया था, उसको बताया गया था, दिया गया था कि साहब ये पूरा खाना, राजसी खाना जो नबूकदनेस्सर खाता था वो तुम्हें खाना है, दाखरस भी साथ में है। लेकिन दानियल ने कहा नहीं, मैं सिर्फ शाकपात खाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस खाने का आदि हो जाऊं, मैं इस आराम का आदि हो जाऊं और मुझमें मैं आ जाए। इसलिए दानियल ने उस सेनापति से कहा कि नहीं, मुझे खाने दो, तुम देखना, तुम अपने सैनिकों को राजा का खाना खिलाओ और मुझे शाकपात खिलाओ और पानी पिलाओ, देखना मेरे चेहरे पर नूर होगा। आमीन। क्योंकि दानियल जानता था कि मुझे स्वर्गीय जीवन जीना है, मुझे परमेश्वर के साथ रहना है, जो परमेश्वर दे रहा है, जो परमेश्वर कर रहा है उसके अनुसार जीवन बिताना है। आमीन। इसीलिए जब तीनों शद्रक, मेशक, अबेदनगो उस आग के भट्टे में गए तो कौन था उसके साथ? यीशु। और जितने भी बैठे थे, हजारों लाखों लोग देख रहे थे कि उसका बाल बांका भी नहीं हुआ, वो नहीं जल रहा था। शद्रक, मेशक, अबेदनगो का एक कपड़े, कपड़ा भी नहीं जला, बाल भी नहीं जला, क्योंकि वो स्वर्गीय जीवन जी रहे थे। मैं आपको उत्साहित करता हूं कि अगर आप स्वर्गीय जीवन जी रहे हैं और स्वर्गीय जीवन जीने की अगर आपके अंदर लालसा भी है तो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा कि नहीं, मुझे स्वर्गीय जीवन जीना है, मुझे धरती का कुछ नहीं चाहिए। तो आप देखिए, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा और आपको आशीष देगा, आपको बुद्धि देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। विश्वास करिए। इसलिए जो कुछ मेरे पास है उसके महत्व को समझिए, जो मुझे मसीह में मिला है उसकी इंपॉर्टेंस को समझिए।
और उसके अनुसार अपने जीवन को बिताइए। इसलिए हमें 38 साल तक वेट नहीं करना है, हमें रोज उस आशीष को ग्रहण करना है जो परमेश्वर ने हमको दी है। हालेलुया, तैयार हैं आप? बोले यीशु मसीह की जोर से तालियां बजाइए पिता परमेश्वर के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, यीशु मसीह के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आज का वचन अच्छा लगा आपको? बोले यीशु मसीह की। गॉड ब्लेस यू।